स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर सोनभद्र से है, जहां बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। सोनभद्र जिले के लोहरा गांव में बीती रात बदमाशों ने क्लिनिक के अंदर घुसकर ग्राम प्रधान के पति सुरेश बाबू को गोली मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल ग्राम प्रधान मीरा के पति सुरेश बाबू उर्फ पुजारी को CHC मधुपुर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने घायल को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। सुकृत पुलिस चौकी क्षेत्र के लोहरा गांव की प्रधान मीरा देवी के पति सुरेश अपने घर में ही क्लिनिक चलाते हैं। रविवार रात करीब 10:30 दो व्यक्ति उपचार कराने के बहाने क्लिनिक पर पहुंचे। उसी दौरान बदमाशों ने सुरेश पर फायर कर दिया। पैर में गोली लगते ही सुरेश लहूलुहान होकर गिर गया और शोर मचाने लगा। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, बदमाश फरार हो गए। उधर घटना की जानकारी मिलते ही फोर्स के साथ चौकी इंचार्ज जैनेन्द्र सिंह घटना स्थल पर पहुंच गए। आनन फानन में घायल को PCSC मधुपुर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टर ने घायल को ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं एक नामजद युवक से पूछताछ हो रही है। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीती रात कोतवाली रोवर्सगंज के लोहरा ग्राम के प्रधान पति सुरेश को गोली मारने की सूचना 112 पर प्राप्त हुई थी, और सूचना प्राप्त होते ही 112 की गाड़ी और अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सहित अन्य अधिकारी वहां पर पहुंच गए थे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और इसमें मीना देवी की तहरीर पे 307 और 325 SC ST एक्ट के तहत एक नामजद और 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो घटना घटित हुई उसके बारे में गहराई से छानबीन की गई है, तो जो गनशॉट का निशान है वो जांघ के अंदरूनी हिस्से में बनाई गई है, और मरीज को यहाँ से ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था, जहाँ पर तत्काल प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, खतरे से बाहर है। और जो आरोपित है उसको भी हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की गई है, और घटनास्थल पे जो तथ्य बताए गए और जो साक्षी हैं उनके बयानों में इतना विरोधाभास है कि प्रथम दृष्टया ये घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। और जो इन जो नामजद है तो वो भी प्रधानी का इलेक्शन लड़ा था, और मीना देवी चौहान जो कि मजरूह की पत्नी है, तो उसके खिलाफ उसने एक पिटीशन भी डाला हुआ है जिसमें कि उसके चुनाव को चुनौती दी गई है। तो इन सारी चीज़ों और परिस्थितियों को देखते हुए ये प्रथम दृष्टया संदिग्ध घटना लग रही है, इसकी गहराई से जांच कराई जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।